नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मैंने देखुंत भूत रेडियो ए हॉरर पॉडकास्ट सांग मैंने आज कहानी जो भाई पठाई से आउ कई नुहे से होती आमरी पड़ोसी गाँव लोक से बहुत आगर गोटे म्यूजियम काम करुले सेठे कि बहुत भयानक भूत घटना घटी सब आश्चर्य कथा यहीटा कि से म्यूजियम भी आमरी पड़ोसी ग्राम से अवस्थित किंतु मु भी केबे कथा शुणी नी आगो को आपण कहानी माध्यम रे आपण माने से जगह और से घटना विषय रे अधिक जानिबे तो चलंतु आ बेसी देरी न करी आरंभ करिबा आजरो एपिसोड। नमस्कार भाई, मो ना प्रशांत। दीपक भाई निश्चय आपण मते चिन्हि नथिबे कारण मु आपणकर बापा दादा बयसर हेबे किंतु मु आपणको चिन्हिछि आपणको काम जरिया रे। मो जीवन रे किछि घटिछि बर्तमान नुहे यह बहुत वर्ष तलर घटना मत से 24 किंबा 25 वर्ष होता आते मु इंटरव्यू दे आम गाँव म्यूजियम निजुक्ति पाई मुठारे आग को कौन कौन है कह आगर मुझे बड़ म्यूजियम विषय कहवाक जाऊँ। रत्नगिरी म्यूजियम जाजपुर जिलार रत्नगिरी पहाड़ उपर अवस्थित यह खूब प्रसिद्ध पणा संक्रांति नुआ वर्ष यहपरी विभिन्न प्रकार पर्व अनेक लोक दूर दूर एठार बुलाक आसी था केवल भारत भितर नुहे बाहर भी फॉरेन कंट्री मानक बहुत प्रचलित वर्ष बहुत थर फॉरेनर माने भ्रमण करने को यठाक आसी था आपण मैंने भावुवे कि ए म्यूजियम एमती कौन अच्छी कि गाँवर कंदी में गोटे साधारण म्यूजियम टीए एटार एमती कौन रखा होतेटा एत लोक बुलाक आसुंच एक साधारण म्यूजियम नुहे गोटे छोटिया कहानी मध्यम मुझे म्यूजियम को बुझाइबा को चेष्टा करी जहाँ मुझे शुणी आसुची। रत्नगिरी पहाड़ को अन्य नाम बौद्ध स्तूप भी कहते जोठे बृद्धदेव मूर्ति को पूजा करा जाए। सरल भाषा यह एक ऐतिहासिक मंदिर भली बा आश्रम भी कहीपरिवे जगह को दीर्घ 500 वर्ष पूर्वे या जोठे बौद्ध धर्म लोक मैंने आसी एठार रीति रिवाज अनुसार पूजा पाठ करते राजा शासन चली थाए कि कारणपाई कला पहाड़ नाम गोटे राजा तार सैन्य बाहन सह रत्नगिरी पहाड़ उपर आक्रमण करितला बड़ बड़ स्तूप विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर मूर्ति को भांगी धूलिसात करितला आक्रमण में बहुत शिष्य मैंने प्राण हर बड़ बड़ स्तूप को दुई भाग में खंड खंड कर दिगला मंदिर को भांगी मटे मिसाई दि जाइला जी भी विरोध कले भी मारी एठारे पोति दिगला से आक्रमण पर पहाड़ी राजार अधीन रहा ना तार मरामती करगला ना कौन उद्धार कार्य है समय बीतला धीरे धीरे मृत शरीर पथर मूर्ति समय सहित पहाड़ तले धूली खाई खाई पोति होगले केजाणी केते मूर्ति केते पुरातन जिनस पहाड़ भितर बाहर शरीर अवशेष युद्ध बेलर व्यवहार होता लुहार जंक लगा तलवार खंजर एमती अनेक जिनस देश स्वाधीन होलापर सरकार जगह को उद्धार कले आर्कियोलोजिस्ट मैंने आसी पहाड़ को खोलिबाकु लागिले माटी तलू बाहर भंगा पथर विशाल विशाल मुंड मंदिर आउ किसी मूल्यवान सुनारूपा जिनस यही सब कुछ संरक्षण करने सेठे पहाड़ उपर या रत्नगिरी म्यूजियम जहाँ भी पहाड़ खोल जाए बाहरी थाए से म्यूजियम आनी संरक्षण कर रखा जाए मुझे अधिक लंबा करने को चाहूना एवं आपर रत्नगिरी पहाड़ और म्यूजियम आईडिया आसी सारी एवं आम कहानी उपरक आसवा नुआ नुआ म्यूजियम होता है सतबाड़े बहुत कम कर्मचारी थे मुवल गोटे छोटिया पदवी थी गोटे जगवाली बा केयरटेकर भी कहीपरिवे रात पूरा म्यूजियम लाइट जलुला किंतु मात्र दुई तीन जन रही था बाकी समस्ते घर को चली जाती बेले बेले से कटा पथर मुंड को देखिकी बहुत डर लगे जहाँ म्यूजियम भितर काचर बाक्स भितर बंद हो जगार लोकप्रियता बढ़ापर धीरे धीरे पर्यटक संख्या बढ़ीला देश भितर ओ देश भितर तो लोक आसुले तापर देश बाहर भी बड़ बड़ लोक बुलाक आसिले अधिकांश से मितर मंक मैंने जो मैंने बौद्ध धर्म प्रचार करते पर्यटक बढ़वर गोटे असुविधा देखाला गाँवली एरिया से दूर दूर आसुवा पर्यटक मानक रहा खावाई व्यवस्था नाला असुविधा को ध्यान में रखी पहाड़ ठार मात्र 200-300 मीटर दूर से गोटे बड़ होटेल या होटेल टी बहुत बड़ थिला देखा गोटे राजा प्रसाद परी आगरे बगीचा कर गोटे बड़ लुहार गेट भी लगी होटेल मझे गोटे बड़ बर गच हाँ
जदि आपण सेठा को केबे बुलिबा को जिबे ताले आपण देखि परिबे तार मजे मजे गोटे बड बर गछ अछि। एसबु मु एथि पई कहूची कारण एही घटनाटी सही होटेल ही घटीला। बड़ होटेल माने तार बेड चार्ज रहिबा खाइबार दाम भी बहुत अधिक थिला जहाँ द्वारा साधारण लोक माने ताकु किणी पारले नाही। मासरे का भा बड़ लोकिया ओ फॉरेनर आसुथिले ओ सेमाने सेठारे मात्र दुई तीन दिन भितरे रही चली जाउथिले। सरकारको प्लान थिला कि से जगार होटेल कले अधिक मात्रा रे लोक आसिबे जहाद्वारा म्यूजियमर अर्थनीति बढ़िबो। किंतु एपरी हेला नाही। साधारण लोक माने से होटेल रे रहु नथिले बास खाली पहाड़ और म्यूजियम बुलीबाली बाहर बणभोजी करी घर को चली जाउथिले। एहा द्वारा बहुत क्षति हेला। बहुत कर्मचारी माने से होटेल रोसैया कैटरिंग बॉय वॉचमैन एमाने समस्ते काम छाड़ीदेले। कम दरमा किए बा काम कर बाकी रहीगली मु ग्राम पाखरे होइतबारु मते अल्प बहुत सुविधा हुए से मुझे चाकरी छाड़ी नथिले। समस्ते चाकरी छाड़ला परे से होटेल केयर नेबा को आउ के रहिले नाही। धीरे धीरे तार अवस्था गोटे भूत बंगला परी होइगला। बर गछ जोगु नाना प्रकार पक्षी माने आसी सेठारे बास कले ओ तार छातरे हगी ताकु अलिया करिदेले। राति हेले मो छोड़ा सेटाकु केही जानती नाही। सबबेले तार द्वारा ताल पड़ी थाए। मु बेले बेले राति रे सोइबा पूर्वरु गोटे राउंड रे बाहरी थाए खाली दुआर मुह पाखकु बोली फेरी आसी थाए। डर चोर खंटर नथिला कारण सेठारे चोरी करिबा बेले किछि जिनिस होइ नाही। आउ ता उपरे तार अवस्था जेपरी थिला ता भितर को पसिबा को समस्ते भय करंती। किंतु किछि लोक एमिति भी थांती जाकु डर भय किछि लागे नाही। सेमाने होचंती मदुआ गंजेडिया। अधे दिन बारंडारे नहले तार बगीचारे बियर बोटल गुड़िक गड़ुथिबो। सेसळा राति अधरे आसंती। किछि दिन हबो मु लक्ष्य करूथिली एसबु अधिक अधिक होतला। सबुदिन मु सकाळु जाई भंगा मद बोतल काचु को गोटाउथिली। मते बहुत राग लागिला गोटे लोक किए डेली आसुची आउ मद पी एठारे अलिया करि जाउची। दिने मु ताकु पाने देबाकु भाबिली। मु स्थिर कले कि मु आजि राति सारा होटेल रे रही पहरा देबी देखिबि से लोक टिके। मु राति 9टा बेळु होटेल बाहर पहरा देथिली। चाबी मो पाखरे थाए। राति 11टा बेळकु बारंडारे बहुत कुहुडी पडिला। मु ओदा होइगली सेतिपई भाबिली ताला फिटे भितरकु चली जिबि। एकता भाबी काहे के जानि मते टिके भय लागिला। पाखापाखि गोटे मास होइजिबो से होटेल द्वार खोला होइ नाही। केही भितरकु जिबा आसबा करू नाहांति। के जाने भितर अवस्था केमिति थिबो। मु बाध्य होई ताला फिटाइली। जेमिति मु ट्रस्टर लाइट लंघा आड़ को पकाई मते नाली नाली आखि चारिआड़े देखागला। सेमाने बादुड़ी गोटे दल थिले। सेमाने बर गछरे रहंती। सुनसान देखि सेमाने होटेल लंघा भितर को पसी आसी कांथरे अठा परी लागि रही चंती। किछिटा झुमर रे झुलु थांती। मु आसिबा पाद शब्द शुणी सेमाने फटफट होई गछ उपर को चली गले। चटाणे चारिआड़े अलिया सुखिला बरपत्र पड़ी थाए। लंबा लंबा लंघा फांका और सुनसान पड़ी थाए। एमिति लगुला एटा होटेल नुहे कौन सी भूत बंगला। मु शोबापाई दुई तीन टा रूम चेक कली। गोटे रूम मते भल मिलता किंतु सेटा ताला पड़ी तार चाबी भी मो पाखे नाला। रातिर 12टा बाजवा को बसला। ता भितर परेश देखी आउ निद माड़ा ना बोधवे से मदुआ मैंने आज आसबे एटी काईक राति अनिद्रा हेबी। यह भाव मु घर को जीवा को बाहर जमी मुख्य द्वार कबाट पाख को जाइए सेमती ता खोलें ना। मु दुई तीन थर झटका देली किंतु यह खोलें ना। एमती लगुला जमी बाहर ताकि किए लक कर देचे। मु पाटी करी आवाज देली आरे किए अछ बाहर मत लक किए कला। किछि उत्तर आसला ना। मु भाबली निश्चय से बदमाश पिला माने एमती करथिबे। एसबू सेमानकर दुष्टामी। बाहर भी पाटी सुबुतला। मु किछि उपाय न पाई मोर जने सहपाठी को फोन कली। से ड्यूटी रे म्यूजियम रे थिले। मु तांको फोन लगाइली दुई थर रिंग हेला तापर कटिगला। बोधहुए से सोई पड़ीथिले। एबे मु कोन करबी आउ कोन नाही मुंडरे हाथ दे बसी भाबू थाए। ठीक सही समय रे म्यूजियम रो लाइट धप करी बंद होइगला। मु हटात चमकी उठिली कोन होची मो सह। आउ तापर छा हेला ता मो पेकर रूम को छेड़ा करितला। गोटी स्त्री लोकर पाउंजी रो झमझम लंगा भितर के आसवाक लगला। मत बहुत डर लगी से अंधारुआ लंगा आड़ को ट्रच मारी कहीं ना। मु दुई तीन थर आवाज देली। मु मो मन को बुझाऊ थाए ना मु जहाँ भावुचे यह हो नपे। भूत प्रेत तो ये नहांती
कौन एपरी मजा से पाने से पाउजी शब्दर पिछा कली मत से आवाज से बर गछ पाख को नहीं गला से गछ आड़क देखला बेलू डर माड़ा पथर कंधी जह्न देखा जाए बादुड़ी मैंने चे चा करांदी उपर टप टप कर गदा होचिला बर फल मुझे शुणी बाहर कहार चित्कार शुभला कंठ बारी हो नए कि हाउली खाऊ था और परस्पर को जीवा को कहता ए मदुआ मान पी कौन है मुर फ्लोर को गली सेठे बालकोनी थी सेठे मुझे ड़ा हो तौक गोटे नजर पकाली ए कौन बगिचारे दी तीन टा बियर बोटल सीधा ठिया होपी भी खोला हुई ना से मदुआ मैंने गले कड़े मुझ ट्रच को बणबुदा आड़क टिके पकईदेली से प्रथम थर मुझे देखी थी से ही स्थान मात्र किसी हाथ दूर से गोटे स्त्रीलोकटे ढड़ा हो धला शाढ़ी पिंधिता से चुपचाप मूर्ति पर ड़ा होता किसी भी हलचल करू ना मु लाइट बंद करदे देखी से किए और से एटी रात एत रात कौन करुचे या भितर मो सहपाठी को आउ थे फोन लगे फोन रिंग है कि रेस्पन्स आसला ना मु फोन को पकेटे रखी पुनर्बार से बगिचा आड़क चाहे सेठे आउ एवे कहीं ना आरे से स्त्रीलोकटी कड़े गला मु ट्रच मारी देखिली कहीं नहांती किंतु गोटे कथा पूरा आश्चर्य करदेला तीन टा बियर बोटल जे घास उपरे सीधा छेड़ा होता ताबे घास गड़ुची थोपाए भी बियर ना ता भितर यह केमिति संभव किसी सेकेंड आगर मुझे बियर बोटल गुड़िक को देखी थी से सिल भी फिटा हो नाला आबे से सब खाली गड़ुचे पीला किए आखपाखे से मदुआ मैंने भी देखा जाऊन मुझे आग को पदक्षेप नहीं था सेतबेले मो सहपाठी फोन आसला मुंगे सांगे फोन रिसीव कली सेपटू प्रथम से कहला आरे प्रशांत कौन है कहीं राति अधेरे बारंबार फोन कर मुंड खराब करुचु मुझे डरी मरी कहली भाई मो कथा टिके ध्यान दे शुणु तू टिके दयाकर होटेल पाख को आसे तू पगल हो जाइ ना कौन मु रात होटेल पाख को कहीं जी जहाँ कम रही जाइए सकाू करवा सेमित भी एत रात मत डर माड़ से आग को किसी कहवाक जाऊला सेत मझीर कथा काटी कहली भाई गोटे असुविधा हो जाए से होटेल फसी जाइए से मदुआ मान को मुझे जगवा को आसती से शलागुड़ा मत भितर लक कर चलीगले से मो कथा शुणी किसी समय चुप रहा तापर डरी डरी कहला तो मुंड बोधे कम करूनी एत राति है मुठिकी जीवि मत तार एपरी जवाब शुणी बहुत चिंता लगला मुझ बुझीपार नए आगर तो से मोपरी एठाक आसी ए जगार जगाजगी कै आज एत डर कौन पाई माड़ी खाली आज नुहे यम्र कि दिन हे से सन्ध्या पूर्व मत कम लगे निजे घर को चली जाऊँ मुेष थरपाई पचारि देख भाई मुझे कह तू आसबू कि ना से कहला भाई लो मत क्षमा करदे मु सका नाला जाए जमा जीवन तू कौन जानु ये किद कौन हो तू कहीं जाऊ भर को कौन हो चिंतार पचारे ना मु तो जानी आरे यख गाँव गोटे झीटे आत्महत्या कर गाँव बाला आनी से होटेल पचरे बिल उपरे पोती से लोक डराऊ तू निजे देखुचु से होटेल अवस्था कौन तू पी से कहीं गलु मत क्षमा करदे मुपरि यह कही से फोन को काटिदेला द्वितीय थर उठाइला ना ता कथा शुणी निश्चय आगठू अधिक मत बेस डर लगला एवं मुझा जहा देखी थी सेगुड़ी को बुझा को लगिली बगिचार रहस्यमय भाव ड़ा होता से स्त्री लोक मदुआ मैंने चित्कार कर चली और मद बोतल गोटे सेकेंड में खाली होगा होना हो यह कौन सी मनीष कर कबाट किए बंद कर जब से आत्मा बंद करते मतजे जावाक देवना निश्चय तार आत्मा यही होटेल रही जाइए रही कौन पाई राति दिन सबुबले ए जगह सुनसान और भितर गोटे बड़ पुणा बरगछ एठार पूजा पाठ बा धूप दीप भी दि जाऊना एभली जगार से न रही कौन गात भितर रही था सीढ़ी पाखर पाउजी शब्द पुणी शुभला कहीं जड़े सीढ़ी पट दे बाल्कोनी उपरको आसुला मो देह हाथ गोटापण थर आरंभ कर मु कबाट पाखे लुचि सीढ़ी आड़ को अनाइली से धीरे धीरे ऊपर को आसुची मुह पूरा पाऊँश पड़ा
খালি আখি গুড়িক ধড়া ধড়া দেখা যাওতলা তার লম্বা কানি সিঁড়ির তল পর্যন্ত ঘুষুরি ঘুষুরি আসুতলা মু তো হাবুড়রে যদি পড়ি যায় তাহলে সে মতে মারি দেব সিঁড়ি পটে সে আসুচি মু এবে যাবি কুয়াড়ে ছানিয়ারে মো দেহরু গিলাসে ঝাল বই পড়িলা প্রত্যেক পাউঁজির ঝমঝম শব্দরে মো ছাতি পিম্পম বল পরি ডেউ থাকে মু কিছু নিষ্পত্তি নেই পারু নথিলি এটারু বাহারিবা পাই মো পাখরে গোটিয়ে বাট থিলা বালকুনিরু মু তলকু চাহিলি মু আকলন কলি যদি মু এঠারু তলকু ঘাস বুদা আড়কু ডেই পড়ে তাহলে মোর বেশি কিছু ক্ষতি হবনি হ্যাঁ হাত গোড় ভাঙ্গি যাই পারে কিন্তু মু বঞ্চি যাবি মু সাহস জুটাই বালকুনির ধাররে চড়িলি সে আত্মা এবে ঠিক মো পছরে থিলা সে মতে কহিলা এ কোন করছু তু মরি যিবু তু মো পাখকু চালিয়া তারপরে মু ডেই পড়িলি ভাগ্য ভালো উচ্চতা এতে বি নথিলা মোর বাম গোড়টি বহু জোরে আঘাত হলা মু সেতবেলে যন্ত্রণাকু অনুভব করি পারু নথায় মু সেঠারু ছোটেই ছোটেই ঘুষুরি ঘুষুরি সে হোটেল ঠারু দূরকু গলি সেপটু গেট পটু ট্রচ ধরি দুই তিন জন লোক দৌড়ি আসলে মো সাঙ্গ মো সহপাঠী সে গাঁকু কিছু লোক নেই মতে উদ্ধার করা আসিলা সেমানে মো কাহিনী শুনি যেতে শীঘ্র সম্ভব মতে সে জায়গার দূরকু নিয়ে গেলে সেমানে মতে টেকি টেকি নেলা বেলে মু বালকুনি কু চাইতিলি সে এবে বি রাগরে ছেড়া হই মতে দেখুথিলা মোর সেদিন রাতে গোটিয়ে গোড় ভাঙ্গি যাইতিলা কিন্তু ভাগ্যবান কি মু বঞ্চি গলি এই ঘটনা পরঠার মু সেটারে কিছু বর্ষ কাম করিতিলি কিন্তু রাতে ভুলে বি সেটাকু আউ যাই নাহি এবে সেমিতি বেশি আউ টুরিস্ট আসু নাহাতি সে হোটেল বি এবে পুরা বন্ধ হই পড়িছে তার গেট তকাতে যাঙ্কে তালা পড়ি যাইছে কেজাণি এবে সেটারে কিয়ে রহুথিব সাংমানে যদি আজর কাহিনী আপনার ভাল লাগিছে তাহলে ভিডিওকে গোটে লাইক কর আর যদি নূয় আছো তাহলে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করিকি যাও আগকু অপডেট রহিবা বেল আইকনকে নিশ্চয় প্রেস করন্তু এদ্বারা আপনার সবু ভিডিওর নোটিফিকেশন প্রথমে পাইবে তো আজ পাই এতিকি ফুনি দেখা হব আউ এক এপিসোডে নমস্কার।